हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग। लॉकडाउन का आज पांचवा दिन है और हम लोगों का कॉलेज भी लॉकडाउन को पूरा कोऑपरेट कर रहा है। विगत चार दिनों से हमने पीजी लेवल के स्टूडेंट्स को ज्यादा मटेरियल भेजा है और कल बीए के बच्चों को भी भेजा है, लेकिन आज जो हमारे बीए सेमेस्टर सिक्स के वो बच्चे हैं जिनका ऑप्शनल पॉपुलेशन है, उनके लिए मैं एक टॉपिक सेलेक्ट कर रहा हूं। वो है कॉन्सेप्ट थ्योरीज एंड इश्यूज ऑफ माइग्रेशन। कॉन्सेप्ट थ्योरीज एंड इश्यूज ऑफ माइग्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, माइग्रेशन का जो टॉपिक है पॉपुलेशन स्टडीज का, वो यूनिट फोर्थ का, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एट द टाइम ऑफ कोविड-19। तुम लोग देख रहे होगे कि कोविड-19 डिजीज जो वैश्विक डिजीज है, उसकी वजह से पूरी दुनिया भर के लोग जो माइग्रेंट्स हैं, जो किसी कंट्री से दूसरे कंट्री में गए हैं, उसमें खलबली मची हुई है और एक दूसरे देश में वापसी होने की तैयारी पर लोग आ रहे हैं। और साथ ही साथ इंटरनल लेवल पर, जैसे भारत में देखो तुम लोग, तो कल ही दिल्ली के बॉर्डर पर हजारों लोग इकट्ठा हो गए थे। कौन थे वो लोग? देवर माइग्रेंट्स, जो कि अनस्किल्ड लेबर थे। तो माइग्रेंट्स क्या है, माइग्रेशन क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को मैं समझा रहा हूं तुम लोगों को। और आज मैं सोच रहा हूं कि इस टॉपिक को तुमको डील करके इस टॉपिक को खत्म करूं। बेसिक नोशंस, वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द बेसिक नोशंस ऑफ माइग्रेशन। पहले माइग्रेशन को समझ लो, माइग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझ लो क्या है। दैट इज, इट इज ए क्रॉसिंग ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर ए सर्टन मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम। ये ध्यान देना, माइग्रेंट्स वही होते हैं जो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, देयर शुड बी मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि रोज मोबाइल करते हुए आए जाए, दे आर नॉट कॉल्ड एज माइग्रेशन, दे आर कॉल्ड एज मोबाइल लेबर। बट माइग्रेशन मीन्स क्रॉसिंग द बाउंड्रीज of administrative or political for a minimum period of time. It includes the movements of refugees, displaced persons, uprooted people, as well as economic migrants. देखो, इधर पिछले दो तीन महीनों से भारत में क्या हो रहा है, सीए को लेके जो माइग्रेशन की समस्या थी, वो एक पॉलिटिकल व्यवस्था हो गया। और आज जो कोविड-19 को लेके जो माइग्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, वो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हो गया। मैक्सिमम अनस्किल्ड लेबर जो रूरल से अर्बन की ओर फोर्सफुली माइग्रेट हुए थे फॉर द सेक ऑफ देयर जॉब अपॉर्चुनिटीज, वे अब रिवर्स माइग्रेंट हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशन है। उसके दो टाइप्स जो होते हैं, वो है इंटरनल और इंटरनेशनल। तो बिल्कुल क्लियर है कि जो क्रॉसिंग द बाउंड्री ऑफ इंटरनेशनल लेवल इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल माइग्रेंट्स, एंड क्रॉसिंग ऑफ स्टेट to different states, district to different state is a international, is a national migrants. तो ये दो चीज को आपको समझना होगा। और forms जो हैं, अगर इसको समझोगे तो migration के रूप आपके सामने समझ में आ जाएगा। और ये बहुत बड़ा issue है population studies का, खास करके economics के साथ जब development की बात हम करते हैं। तो देखिए, there are forced migration, there are family members migration, and there are return migrations. आज कितना समसामयिक विषय है। फोर्स कौन होता है? जो जबरदस्ती किसी जगह से पुश होके भगाए जाते हैं, जैसे रिफ्यूजीज हो गए, एसाइलम सीकर्स हो गए, या जो माइनॉरिटीज होने की वजह से किसी दुर्व्यवहार की वजह से वहां से पुश कर दिए जाते हैं, तो वो भी माइग्रेशन के श्रेणी में आते हैं। लेकिन दे आर फोर्स्ड माइग्रेशन। फैमिली मेंबर्स, एक मेंबर्स काम के लिए बाहर जाता हो अकेले पहले, और बाद में पूरी फैमिली को बुला लेता है, चाहे वो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हो चाहे वो नेशनल माइग्रेंट्स हो, उसको कहते हैं फैमिली मेंबर्स माइग्रेंट्स। जॉब के लिए जाता है और पूरी फैमिली चली जाती है। और थर्ड इज इम्पोर्टेंट नाउ डेज, दैट इज रिटर्न माइग्रेशंस। देखिए, इस समय क्या हो रहा है, 3 महीने के लिए सरकार ने कोविड की चुनौती दी है, तो मैक्सिमम लेबर्स रिटर्न करने के लिए एक डेस्परेट हो रहे हैं। और इस तरह के माइग्रेशन की सिचुएशन अगर होती है तो कभी कभी पैदा होती है, दैट इज कॉल्ड एज ए रिटर्न माइग्रेशन। और ये जो लीगल हो सकते हैं, इलीगल हो सकते हैं, इरेगुलर हो सकते हैं, रेफ्यूजीज हो सकते हैं, और लेबर माइग्रेशन होते हैं। हमारा जो कंसर्न है, इकोनॉमिक्स का जो कंसर्न है, वो हमेशा
लेबर माइग्रेंट्स का कंसर्न होता है, बाकी सब एक तरह से पॉलिटिकल या सोशल कंसर्न है, बट आवर कंसर्न इज ए लेबर माइग्रेशन कंसर्न, बिकॉज लेबर यूजली माइग्रेंट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया फॉर द सेक ऑफ जॉब्स और वर्क्स। ओके, तो देखिए अब इसको समझिए, ये स्क्रीन पर मैं तुमको दिखा रहा हूं, इमिग्रेंट्स एंड इमिग्रेंट्स, पर्सन मूविंग फ्रॉम ए प्लेस टू बी प्लेस, द फ्रॉम ए प्लेस द पर्सन इज मूविंग इज कॉल्ड एज इमिग्रेंट, एंड द डेस्टिनेशन प्लेस वेयर दे रीच दैट इज कॉल्ड एज इमिग्रेंट। तो मूविंग फ्रॉम ए टू बी इज ए प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन, वन इज कॉल्ड एज इमिग्रेंट एंड अदर इज कॉल्ड एज इमिग्रेंट। तो इसके इमिग्रेशन के जो वो जो स्पेशलिटीज होती है वो चेंज इन रेसिडेंस होता है, कोई व्यक्ति अपने जगह को छोड़ के दूसरे जगह जाता है, दे चेंज देयर रेसिडेंस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और उनका रिलेटिव टू ओरिजिन डेस्टिनेशन होता है, और उसके इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, उसका ड्यूरेशन होना चाहिए, ये सारी चीजों को तुमको इस ग्राफ से समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमने दिखाया ना, मूविंग फ्रॉम ए टू मूव टू बी, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ यू सी माइग्रेशन, ए टू बी दिस इज अ माइग्रेशन। कितने लोग माइग्रेशन हुए हैं इसको हम लोग इस ग्राफ से देखते हैं कि ग्रॉस माइग्रेशन क्या होता है। एक व्यक्ति ए से बी में जाता है, और बी से भी कोई व्यक्ति ए में जाता होगा या किसी सी कंट्रीज में जाता होगा, तो ग्रॉस क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इमिग्रेशन माइनस टोटल नंबर ऑफ इमिग्रेशन, इसे कॉल्ड नेट माइग्रेशन। तो एक ग्रॉस होता है जो हर प्रकार के माइग्रेशन प्रोसेस में रहते हैं, दैट इज अ ग्रॉस माइग्रेशन, बट नेट इज व्हेन वी सब्स्ट्रैक्ट इमिग्रेंट्स विथ एमिग्रेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज नेट माइग्रेशन। तो ये भी तुमको समझना होगा, जो लेबर माइग्रेशन की प्रॉब्लम होती है, जो हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम में, वो देखिए देर आर टेम्पररी लेबर माइग्रेंट्स जो कि अनऑर्गेनाइज लेबर के होते हैं, जो कि सीजनल लेबर होते हैं, जो कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड होते हैं, वो मैक्सिमम उनको हम लोग टेम्पररी लेबर माइग्रेंट्स बोलते हैं, जो कि हो सकता है कि सीजनल रूप से किसी जगह पर जाते हो, काम करके वापस छह महीने बाद अपने यहां चले जाते हैं। और दूसरे होते हैं हाई स्किल्ड, हाई स्किल्ड इज ए गुड फॉर इकोनॉमिक्स, क्योंकि हाई स्किल्ड जो माइग्रेंट्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं किसी कंट्री के या किसी स्टेट के या किसी डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट में, बिकॉज दे आर स्किल्ड लेबर बाय चॉइस, दे चूज द डेस्टिनेशन प्लेस फॉर द सेक ऑफ देयर जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो टेम्परेरी लेबर और हाई स्किल्ड माइग्रेशंस में अंतर होता है, एक होता है पुश के रूप में, हम थ्योरी पढ़ाएंगे, पुश फैक्टर होता है, और एक होता है पुल फैक्टर, यानी जो पढ़े लिखे स्किल्ड होते हैं वो किसी प्लेस के प्रति आकर्षित होते हैं, कम जाते हैं अपने चॉइस से, और एक होता है जो कि बेरोजगार है, गांव में पढ़ा हुआ है, उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, और वो वेज के लालच में शहरों में जाके बस जाता है। जैसे कि इस समय जितने लोग रिटर्न माइग्रेशन माइग्रेंट हो रहे हैं इस कोविड 19 के समय में, वो फोर्स माइग्रेशन या टेम्पररी लेबर्स के रूप में थे हमारे सामने। अब देखिए इकोनॉमिक अप्रोच क्या है, जस्ट सी दिस सीन स्क्रीन, इकोनॉमिक अप्रोच क्या है, जहां सरप्लस लेबर होता है, ये हम सब जानते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, भारत जैसे देश में जहां सरप्लस लेबर होता है वहां हमेशा लो वेज होता है, दिस इज अ थ्योरी, एस्टेब्लिश्ड थ्योरी, और इसीलिए माइग्रेशन क्यों होता है, जहां पर लेबर की शॉर्टेज होता है और उनको ये उम्मीद होती है कि हमको वहां पर हाई वेज मिलेगा, इसलिए रूरल टू अर्बन माइग्रेशन का जो सिद्धांत है उसमें यह बताया जाता है कि जनरली गांव में वेज कम मिलता है और शहरों में चूंकि लेबर की शॉर्टेज होती है तो माइग्रेशन टेक प्लेस एंड दे डिस्प्लेस वन प्लेस टू अदर प्लेस फॉर द सेक ऑफ वेज अर्निंग्स। तो ये एक तरह से सिद्धांत का पार्ट है, तो ये लेबर मोबिलिटी इसकी वजह से होता है। बिहेवियरल एक्सप्लेनेशन क्या है माइग्रेशन का, देखिए हम सब जानते हैं कि 25 साल के पहले तक जनरली पढ़ाई लिखाई के लिए लेके हम सब होम पर रहते हैं, घर पर रहते हैं, स्टे करते हैं, और उस समय हम लोग अपने एबिलिटी को बढ़ाते हैं, अपने अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद से 25 साल के होने पर मैरिज होता है या फिर फर्स्ट जॉब होता है या फिर प्रमोशन होते हैं, दिस इज द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन। और उसके बाद से जब 50 वर्ष होता है तो जनरली एस्टेब्लिश पर्सन के चिल्ड्रंस माइग्रेट होते हैं, और उसके बाद से जब 75 रिटायरमेंट होता है तो फिर रिटर्न माइग्रेशन होते हैं। तो दिस ऑल आर द लाइफ साइकिल ऑफ द माइग्रेशन, की माइग्रेशन एक प्रोसेस है जो समय के साथ साथ
डेवलपमेंट की स्टोरी में होता ही होता है, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज दिस ऑल इम्पैक्ट क्या होता है माइग्रेशन का, माइग्रेंट्स यूजली कंट्रीब्यूट्स इन डेवलपमेंट। भारत के जितने ब्रेन्स हैं जो कि आकर्षण की वजह से विदेशों में गए हैं, वे उस कंट्री के डेवलपमेंट स्टोरी को लिखने में मदद कर रहे हैं। विद इन इंडिया इफ यू सी दैट ईस्टर्न उत्तर प्रदेश बिहार पॉपुलेशन यूजली माइग्रेट टू महाराष्ट्र गुजरात एंड अदर प्लेसेस ऑफ द कंट्री, दे यूजली गो देयर एंड दे कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ दोज स्टेट्स बिकॉज हियर इज नो जॉब अपॉर्चुनिटीज, दे मूव फ्रॉम ए प्लेस टू बी प्लेस एंड देयर दे कंट्रीब्यूट इन द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट। तो ये इम्पैक्ट ऑफ लेबर माइग्रेशन आपको समझना चाहिए। फैक्ट्स देखिए, फैक्ट्स क्या है आजकल, टूडे मोर पीपल देन एवर लिव इन कंट्री अदर देन द वन इन विच दे वेयर बॉर्न। आज बहुत तेजी से माइग्रेशन हो रहे हैं और 19 में कोविड से पहले का ये है, द नंबर ऑफ माइग्रेशन ग्लोबली रीच एन एस्टिमेट ऑफ 272 मिलियन पीपुल इन विच 51 मिलियन मोर देन इन 2010 से 51 मिलियन ज्यादा 2019 में लोग दुनिया भर में माइग्रेंट हुए हैं, वो है 272 मिलियन। इंटरनेशनली माइग्रेंट्स कंप्रोमाइज 3.5% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, दैट मीन्स ऑफ द होल ग्लोबल पॉपुलेशन 3.5% यूजली माइग्रेंट्स आर माइग्रेंट्स एंड दे कंट्रीब्यूट्स इन द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट इन होल ग्लोब। ये भारत में भी इसका हम स्टोरी देख सकते हैं। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन का क्या असर पड़ता है, देखिए द मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्लोबल माइग्रेशन मूवमेंट इज 300 मिलियन रूरल माइग्रेंट्स नाउ लिव इन चाइना सिटीज। चाइना की जो स्थिति या ग्लोब की स्थिति है वो दिखा रहा है कि 300 मिलियन रूरल माइग्रेंट्स चाइना के सिटीज में बसते हैं, ये ग्लोब की स्थिति है। तो दिस इज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट कि फ्रॉम रूरल टू अर्बन यूजुअली माइग्रेशन टेक्स प्लेस एंड दिस ऑल्सो क्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्री विच कंट्रीब्यूट्स द foreign countries development story. So half of million people arrives in Brazil, Sao Paulo annually. Brazil mein is tarah ke jansankhya 50% zyada log migrants hote hain. Half of the world is now urban. Puri duniya mein is samay aadhi jansankhya urban population hai. Aur dekho urban population ka hone ka matlab डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट का होने का मतलब माइग्रेशन हो रहे हैं, माइग्रेशन होने का मतलब होता है कि दिस इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो दिस ऑल आर द स्टोरी ऑफ माइग्रेशन डियर स्टूडेंट्स एंड यू हैव टू सी दैट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए इंटरनेशनल लेवल पर उसमें भी 2013 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिकॉग्नाइजेस फॉर द फर्स्ट टाइम द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेशन टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कल पढ़ाए थे, उसमें जो एसडीजी का गोल है उसमें पहली बार माइग्रेशन को रोल इंपॉर्टेंस समझा गया है। दे अंडरस्टैंड दैट माइग्रेशन इज प्लेइंग द की रोल ऑफ द एनी कंट्रीज डेवलपमेंट। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि माइग्रेशन इश्यूज को भी हम लोग एड्रेस करें। और 11 आउट ऑफ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, उसमें कंटेंस टारगेट्स एंड इंडिकेटर्स रिलेवेंट टू माइग्रेंट्स और मोबिलिटी। मतलब जो टोटल 17 गोल्स हैं एसडीजी के, उसमें 11 जो गोल्स हैं वो माइग्रेंट से रिलेटेड है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउडेज। और आज के दौर में देखो जब पूरी दुनिया लॉकडाउन की स्थिति में है, रिसेशन के दौर में हम लोग एंटर करने जा रहे हैं, माइग्रेशन के ऊपर एक बहुत गहन अध्ययन और बहुत गहन शोध होने जा रहा है और कहीं ना कहीं से अब माइग्रेशन को लेकर एक नई शोध आने वाली है कि कैसे माइग्रेंट्स के अचानक पुल होने से किसी कंट्री का इकोनॉमिक कोलैप्स हो सकता है। तो दिस इज एजेंडा ऑफ द एसडीजी। यू सी ग्लोबल फोर्सेस, तो इसका देखिए ये इसका पैरामीटर्स देखिए ग्लोबल फोर्सेस का। ओवर पॉपुलेटेड रूरल एरियाज जो होता है वो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन से चलता है और इससे क्या होता है, इससे टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होता है और लोग ग्लोबल इन्फ्लोस फ्रॉम फॉर द सेक ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं से जो ग्लोबल फोर्स विद इन नेशंस है वो ओवर पॉपुलेट पॉपुलेशन जहां होता है वहां से माइग्रेशन निश्चित होगा है। ये एक तरह से सर्कल का रूप दिखाता है हमको। ओके, सो दिस इज द
policies of migrations. That is, before 1914, there was a open policies from developed to developing countries, migrations took place. 1920s and 1930s, closed door population tha, jahan limited migrations hota tha. After 45, after World War II, more open policies, kyunki uske baad se logon ko migrations ke role ko samajh mein aaya. Aur after 1973, till date, relatively open policies, but with more stringent requirements, growth of refugees and illegal migrations. Ab jo hota hai, illegal migration par jyada nigaah logon ki hai, aur har country chahta hai ki illegal migrations ko hum log rok sake. So, there are I will tell only two theories, dear students, and I will close this chapter. There are many models, Revinston's, Newton's gravity model, Jelinski's model, Clark's model, Lee's intervention model or Stauffer's model. But two more most important models I will tackle here. That is, first is Revinston law of migration. Theories kya kehte hain? Aur uske aadhar par aap migration ko evaluate karoge. Theories ye kehta hai Revinston ka, ki every migration flow generates a return or counter migrations. Aaj dekh rahe ho, har migration return migration ko paida karta hai. Dekho, crisis hui, लोग फिर शहर से गांव की ओर पलायन करने लगे. द मेजॉरिटी ऑफ माइग्रेशन मूव ए शॉर्ट डिस्टेंस. और थ्योरी ये कहता है रेविस्टेंस का कि जनरली माइग्रेशन टुक्स प्लेस फ्रॉम डेस्टिनेशन फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेस टू डेस्टिनेशन एट ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस. यानी पहले कम दूरी की ओर जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश के लोग सबसे पहले अगर जाएंगे तो दिल्ली में जाएंगे, उसके बाद वो बॉम्बे में जाने की कोशिश करेंगे. तो माइग्रेशन मूव इन ए शॉर्ट डिस्टेंस. माइग्रेशन हु मूव लॉन्गर डिस्टेंस टेंड टू चूज बिग सिटीज. और जो भी बिग सिटीज को, जो भी माइग्रेशन लंबी दूरी की ओर जाना चाहेगा, वो हमेशा अच्छे बड़े सिटीज को चूज करेगा. जैसे कि उत्तर प्रदेश के लोग अगर दूर जाना चाहेंगे तो हमेशा वो बंगलोर को चूज करते हैं. ओके, सो दिस इज द थ्योरी. अर्बन रेजिडेंट्स आर ऑफन लेस माइग्रेटरी देन इनहेबिटेंट्स रूरल एरियाज. ये भी थ्योरी का पार्ट है कि जनरली एक शहर से दूसरे शहर में कम माइग्रेशन होता है और ज्यादा कहां होता है, फ्रॉम रूरल टू अर्बन. ओके, सो दिस ऑल आर द थ्योरीज ऑफ द रेविस्टेंस. और इसको हम लोग कहते हैं कि माइग्रेशन टुक प्लेस स्टेज बाय स्टेज. यू सी, माइग्रेशन टुक प्लेस लॉन्ग डिस्टेंस में कम माइग्रेशन होता है. जैसे जैसे हम डिस्टेंस कम करेंगे, माइग्रेशन प्लस जाएगा. ये जो है स्लोप जो है कर्व का, फ्रॉम अपर साइड टू डाउनवर्ड्स मूव होता है. अल्टीमेटली सबसे शॉर्ट डिस्टेंस में सबसे अधिक माइग्रेशन होता है. मोस्ट माइग्रेशन ट्रेवल शॉर्ट डिस्टेंस एंड देयर नंबर ऑफ डिक्रीज एट डिस्टेंस. अब इसको मैंने देखिए एग्जाम्पल दिया. फॉर एग्जाम्पल, दीज आर द प्लेसेस ए बी सी डी ई एफ जी. दिस इज द नेम ऑफ प्लेसेस. सपोज ए इज ए आंध्र प्रदेश, सपोज बी इज ए बनारस, सपोज सी इज ए कर्नाटका. दिस इज एग्जाम्पल. और डिस्टेंस से ए का डिस्टेंस 15 किलोमीटर, तो यहां सबसे अधिक देखो 1000 लोग माइग्रेट करेंगे. बी का प्लेस है 30 किलोमीटर, तो क्रमशः कम हो जा रहा है, 500 हो जाएगा. फिर सी का है 45, तो 350 हो जाएगा. तो ये दिखता है रेविस्टन की थ्योरी से कि सबसे कम में सबसे अधिक माइग्रेशन और सबसे ज्यादा में सबसे कम माइग्रेशन होना होता है. इस तरह ये देखो, जब ग्राफ के रूप में इसको बनाओगे तो फ्रॉम अपर साइड टू लोअर साइड इस तरह का ग्राफ बनेगा. दिस इज थ्योरी. और स्टेप वाइज क्या होता है, जैसे हमने बताया था, जैसे एक्स और वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस को हम मान लेते हैं कि एक विलेज या सब अर्बन का एरिया है. वाई एक्सिस को हम लोग डेस्टिनेशन या माइग्रेशन का प्लेस मानते हैं. तो देखो, सबसे पहला स्टेप होता है कि लोग एक छोटे गांव से या छोटे डिस्ट्रिक्ट से छोटे जगहों पर माइग्रेट करेंगे. उसके बाद चूज करेंगे तो सेकेंड प्लेस चूज करेंगे, और लास्ट में चूज करेंगे तो बड़ा शहर चूज करेंगे. तो फ्रॉम एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस माइग्रेशन यूज टू टेक प्लेस इन ए स्टेप वाइज वे. ओके, दिस इज अ थ्योरी. सेकेंड थ्योरी इंपॉर्टेंट है ली का, और ये इसको समझना होगा तुमको आज के संदर्भ में. ली ने दो बहुत महत्वपूर्ण चीज बताए. एक कहा उसने पुश फैक्टर, और दूसरा उसने कहा कि पुल फैक्टर. व्हाट आर द पुश फैक्टर व्हिच इन्फोर्स पीपल टू माइग्रेट. अब देखो ध्यान से, बिकॉज देयर आर नॉट इनफ जॉब्स, बिकॉज देयर आर फ्यू अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज देयर आर प्रिमिटिव कंडीशंस, वहां विकास नहीं हुआ है, बिकॉज डिसर्टिफिकेशन है, वहां पर तमाम समस्याएं हैं, फेमिन और ड्रॉट है, वहां हमेशा अकाल या बाढ़ जैसी स्थिति आती है, पॉलिटिकल फियर है, जैसे कि जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम थी पहले, पॉलिटिकल फियर है,
पुअर मेडिकल केयर है आज के दौर में, जहां पुअर मेडिकल केयर होगा वहां से लोग भागना चाहेंगे, लॉस ऑफ हेल्थ है, उनके संपत्ति का लॉस हो रहा है, नेचुरल डिजास्टर्स हमें होते आ रहे हैं, डेथ थ्रेट्स हैं, जैसे मान लीजिए इस समय डेथ थ्रेट्स हैं, तो देखो पूरी दुनिया में खलबली मची हुई, लोग माइग्रेशन में खलबली मची हुई है, लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम होता है, जैसे कि सीए बिल आया था, लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम था, इसलिए फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश लोग इंडिया में आना चाहते थे, इसलिए सीए बिल आया। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी लोगों को पुश करती है, पुअर हाउसिंग, अच्छे हाउसिंग नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन अगर हो, ये शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स वीमेन, इसमें अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है लोग वहां से पुश होंगे। तो लीग ने कहा कि देर आर मेनी पुश फैक्टर्स विच फोर्स पीपल टू माइग्रेंट्स फ्रॉम ए प्लेस टू बी, लेकिन पुल फैक्टर्स क्या है, जो स्किल्ड लेबर होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे आप लोग ग्रेजुएशन करेंगे, आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, स्किल्ड हो जाएंगे, तो आप बाई च्वाइस किसी स्टेट को या बाई च्वाइस किसी विदेश के कंट्री को आप चूज करेंगे, किसकी वजह से, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज, पहला तो पुल फैक्टर इज जॉब अपॉर्चुनिटीज, सेकेंड इज बेटर लिविंग कंडीशंस, अगर अच्छे रहन सहन की व्यवस्था है, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस फ्रीडम जहां हो दैट इज द पुल फैक्टर, एंजॉयमेंट जहां पर सारे एंटरटेनमेंट के साधन है वो होगा, एजुकेशन की स्थिति बेटर, जैसे बनारस जैसे शहर में अगर बिहार से और छत्तीसगढ़ से और झारखंड से लोग आते हैं तो एजुकेशन की वजह से आते हैं, बेटर मेडिकल केयर भी यहां पर है, मेडिकल वो भी एक पुल फैक्टर है, अट्रैक्टिव क्लाइमेट्स होना चाहिए, बेंगलोर में लोग अट्रैक्टिव क्लाइमेट्स की वजह से जाते हैं, सिक्योरिटी जहां हो वहां लोग जाना चाहते हैं, फैमिली लिंक जहां बना रहे वहां लोग जाना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल बेस हो, इस तरह पुश और पुल फैक्टर ली का एक बहुत बड़ा चीज है, इसको ली ने इस रूप में बताया है कि ये देखिए ग्राफ को ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद हम चैप्टर को क्लोज कर देंगे। ली ने कहा है कि लोकेशन ए से बी इज अ टू प्लेस, प्लस इज ए इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, माइनस इज ए डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, जीरो इज ए न्यूट्रल पॉपुलेशन, यानी कोई एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाता है तो माइनस होगा, आता है तो प्लस होगा, वहीं पर आता है तो जीरो होगा। तो ली कहता है कि ए से बी प्लेस जाने के बीच में देर आर मेनी इंटरवेंशन ऑब्स्टिकल्स है, यानी देखिए आज जो रिवर्स माइग्रेशन हो रहे हैं, दिल्ली से उत्तर प्रदेश में आना चाह रहे हैं लोग, तो लॉकडाउन है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं है, तो लोग पैदल ही चल दिए हैं, कितने ऑब्स्टिकल्स हैं उनको अपने वापस आने में। तो इसी तरह माइग्रेशन जो होता है वो जितने अधिक ऑब्स्टिकल्स होगा उतने ही कम माइग्रेशन होगा, और जितने ही स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होगा या डेवलपमेंट के प्रोसेस होंगे उतने अधिक जो है माइग्रेशन होगा। इसलिए देखो फ्रॉम ए टू बी प्लेस अगर ऑब्स्टिकल्स ज्यादा, दिस इज ऑब्स्टिकल्स यू सी, तो यहां माइग्रेशन की स्थिति कठिन हो जाएगी, तो पीपुल फ्रॉम विल चूज नॉट बी प्लेस बट दे विल चूज सी।